नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तर्कम सरदारयान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के जो 18 चैप्टर है वो है कर्म एंड चॉइस या कर्म या विकल्प, जिसमें हम उसमें जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उस चैप्टर में हम उन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न है, आपने कहा कि भावनात्मक शरीर के क्रिस्टलीकरण केवल शॉक या स्ट्राइकिंग द्वारा या तीव्र गर्मी के झटके से ही तोड़ा जा सकता है। यदि आपके लिए ऐसा करने वाला कोई नहीं है तो आपके आप यह अकेले कैसे कर सकते हैं? मतलब हम जानते हैं जो क्रिस्टलीकरण होता है हमारा, जो ऑरा का क्रिस्टलीकरण हो जाता है, जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको तोड़ना ईजी नहीं हो पाता है। तो उसमें पूछा जाए, अगर कोई तोड़ने वाला अगर ना मिले तो आप उसको कैसे तोड़ पाएंगे? तो लेखक का उत्तर है, यदि आपका समय आ गया है तो कि आपके पास ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, मतलब आपके क्रिस्टलाइजेशन तोड़ने का टाइम आ गया है, तो एक ऐसा व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आएगा और वो आपके लिए कर देगा। मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, जब आप डिसाइपल इज़ रेडी गुरु अपीयर्स, तो एग्जैक्टली मास्टर अपीयर्स। तो जब भी आपको ज़रूरत, मतलब ऐसा आपका काम पूरा हो जाता है और क्रिस्टलीकरण तोड़ने का समय आएगा तो आपके पास हेल्प अपने आप से आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल है, आप अंग प्रत्यारोपण के बारे में क्या महसूस करते हैं? अंग प्रत्यारोपण क्या होता है दोस्तों? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। लेखक लिख रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मैं इसके खिलाफ हूँ। क्यों? ये पैसा बनाने का एक अप्रिय तरीका है और कर्म के खिलाफ काम करता है। व्यक्ति को मरने दें ताकि वो एक अच्छा शरीर लेकर लौटे, ना कि उसको एक मंकी का दिल लगा के, बबून का दिल लगा के उसमें पैचिंग करना, ये आपराधिक है। कर्म उससे बुरी तरह से हरा देगा। भगवान ने हमें अंगों को ध्यान रखने और उपयोग करने के लिए दिया है। ये आंसर से हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, कभी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ऐसा होता है, मतलब वो सिस्टम, वो जो बीमारी आई है या उस कोई एक कर्म का रिजल्ट की वजह से यह हमारे पास ये सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन से हमें कोई लर्निंग लेनी है। पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम ट्रांसप्लांटेशन या आँखें, किसी को आँखें नहीं हैं और उसको आँखें दे जाने के लिए हम मतलब डोनेट करते हैं या आई ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जिस बंदे की आँखें नहीं हैं तो उसको, मतलब ये जो नेचर ने उसको अंधा बनाया है कोई एक रीज़न के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कर्मा को काट के वहाँ पे उसके अगेंस्ट काम करके तो आँखें लगवा दिए, तो उसमें वो उसके लिए वो कर्म और बहुत ही ज़्यादा भारी कर्म बनता है और उसको हमें रिपेमेंट भी भारी तरह से ही करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपके विचार क्या हैं? सेम थिंग, महान ऋषि हमें सलाह देते हैं, जितना संभव हो किसी अन्य व्यक्ति का रक्त ना लें। सबसे अच्छा नीति यही होगा कि बीमारी ना हो। मतलब हमें केयर लेना है अपने ऑर्गन्स का और हम खुद स्वस्थ रहना है, ना कि किसी से भी हमें खून लेने की, जितना संभव हो खून हम दूसरों का ना लें, क्योंकि उसके कर्म भी आप ले रहे हैं उस हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं? किसी ने पूछा है लेखक से क्वेश्चन, तो लेखक लिख रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड सनत कुमार का टेलीविज़न सेट है। सनत कुमारों का वो एक टेलीविज़न जैसा उन्होंने कहा कि वो उनका टीवी सेट है जो वो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। ये द लेजेंड ऑफ शंबाला जो स्टोरी रही है ये यही कहता है कि सनत कुमार अपने दर्पण, एक दर्पण जैसा रखते हैं जिसमें वो देखते रहते हैं कि जो कुछ भी पृथ्वी में हो रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड वही वो रिकॉर्ड है जो कुछ भी हुआ उस फिल्म में, उसके एक फिल्म में जो कुछ भी हो रहा है हमारे यहाँ पे, वह किस तरह का थॉट रहा, किस तरह का स्पीच रहा, किस तरह का एक्शन हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक आदमी का दुर्घटना में मर जाता है और वो कहता है, हे भगवान, मैं आपने इसकी अनुमति क्यों दी? वो मर के ऊपर जाता है, भगवान को पूछता है, आपने उसकी अनुमति क्यों दी, मैं तो इतना अच्छा आदमी था। तो भगवान कहते हैं, यहाँ आओ मूर्ख इंसान, अपना रिकॉर्ड देख लो। मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ किसी एक प्रीवियस कर्म का फल है जो हम रिपेमेंट है, तो जब वो रिपेमेंट समझ में आ जाता है
तो वो देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमारा रिकॉर्ड क्या रहा है, किस वजह से हमें ये सिचुएशन आई है। कुछ भी बाई चांस तो अपने आप से नहीं आ रहा है। तो ये जब वो देखता है कि अतीत में उस बंदे ने क्या किया है, तो वो फिर कहता है, ओ माय गॉड, गुडनेस, कृपया मुझे माफ़ करें कि मैंने पूछा कि आप मेरा एक्सीडेंट के लिए क्यों अनुमति दी। मतलब जब आप रियलाइज़ करते हो, आप खुद के साथ का बैठक है ये, मतलब खुद के साथ आप खुद को आप अच्छी तरह से जानते हैं, खुद को ही रियलाइज़ करते हैं कि ये किस तरह का काम रहा है जिसका फल ये है। तो सेल्फ रिकॉग्निशन, या इस तरह से कहा जाए तो ये एक सेल्फ रिकॉग्निशन है जिसमें हम खुद से ही मिलते हैं और राइटियसनेस के बारे में जानते हैं, मतलब सही और गलत, वो जो धर्म के साथ काम करना, यहाँ पे हम जानते हैं। और लेखक लिख रहे हैं, जीवन एक व्यवस्थित न्याय है, मतलब टोटल सिस्टमेटाइज्ड जस्टिस है। यदि आप सही निर्णय लेने में संकोच करेंगे तो कर्म क्रेजी हो जाता है, मतलब कर्म पागल हो जाता है, लिख रहे हैं। मतलब एक गलत निर्णय आपको एक जीवन या कई जीवनों को नष्ट कर सकता है, मतलब कई जन्म तक आपका एक गलत डिसीजन कई जन्मों को के लिए आपको पीछे धकेल सकता है। निर्णय लेने में और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं। जब आप जीवन का निर्णय लेने में विफल हो जाते हैं तो आप कर्म के जटिलताओं में फंस जाते हैं। मतलब हम सही राइटियसली एक सिचुएशन में हमने सही राइट रॉन्ग का डिसीजन अगर प्रॉपरली लिया, अगर नहीं लिया, रॉन्ग डिसीजन को ऑप्ट किया, तो हम ये जो कर्म की जटिलताओं में पड़ जाते हैं। आपको सीधे सीधे ज्ञान या अंतर्ज्ञान को कल्टीवेट करके ही निर्णय लेना सीखना होगा। मतलब ये हमें अपने अंतर्ज्ञान को डेवलप करना होगा, हमारी वो कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना होगा ताकि हम सही निर्णय लेने की स्थिति में आ पाए। आप अपने दिल से महसूस करते हैं कि सही समय क्या है, क्या किया जाना चाहिए इत्यादि। मतलब यह हम सेल्फ खुद ही हम रियलाइज़ करते हैं जब हम ऊपर जाते हैं, जब हमारा सामना होता है इन तरह के इस तरह के चीज़ों में कि इस तरह का चीज़ हमारे साथ क्या हुआ। जब हम देखते हैं हमने क्या किया है इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बुलाने के लिए, तो हमें वो समझना है, वो धार्मिक वे में, हाँ सही है, ये मेरा फल है जो मैं भुगत रही हूँ। जब वो रियलाइजेशन आता है तभी आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो वो कैसे होगा दोस्तों? जब हमारी ज्ञान की डेवलपमेंट हो, हमारे अंतर्ज्ञान जो हमारे जो इनर लाइट को हम वो प्रॉपरली डेवलप हो, हम वो समझ पाएँ। यदि आप चीज़ों को लटकाते हैं या आप उन पर निर्भर करते हैं तो आपके कर्म के साथ वो खराब कर रहे हैं। मतलब अगर आप लटकाते, मतलब इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले पा रहे कि सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, तो एवरी मिनट्स डीले आपका एक वर्ष ज़िंदगी का नष्ट हो जाता है। मतलब जब हमें प्रॉम्प्ट रहना है कि जब डिसीजन ले, वो कर्म को, हमारे शार्पनेस, हमारे ज्ञान को हम इतना शार्प करें ताकि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है, राइटियस रह के हमें डिसीजन लेना है, तो इन दैट केस अगर हम उसमें नहीं कर पाते हैं और एक मिनट की डिले हमारा एक एक साल खराब करता है। सीधे ज्ञान और अंतर्ज्ञान की कल्टीवेशन नियमित निरंतर एंड लयबद्ध ध्यान के द्वारा की जाती है। मतलब ये एक प्रॉपर धीरे धीरे आपका निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। आप एवरी डे लर्निंग होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए और फोकस्ड आपका होना चाहिए, और एक एक सिम्फनी के साथ के ध्यान के द्वारा आपका चुनाव, जो आप जब जब आपको चुनाव करने का मौका मिलता है ऐसी कोई चीज़ों में, आप सही ढंग से चुनाव कर सकते हैं। आपके खुद के साथ ईमानदार होना भी महत्वपूर्ण है। जब आप ईमानदार खुद के साथ ईमानदार होते हैं तो आपकी पसंद सहज रूप से सही होती है, क्योंकि उच्च बल आपके लिए काम करेंगे। मतलब जब हम मुझे हम नॉर्मली समझते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है तो मैं कोई गलत काम कर लूँ, एक चीटिंग कर लूँ, पर क्या है वो, आप जब मिरर में खुद को देखते हैं तब आप क्या सही हैं? खुद के साथ अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप इसमें से सहज रूप से बाहर निकल सकते हैं। भले ही मतलब आप एक डिसीजन लेने में एकदम सक्षम होते हैं, करेक्ट डिसीजन लेने में, क्योंकि आप में ऑनेस्टी है। तो आप भले ही आपका अगर मान लीजिए आपके सहयोग से आपका निर्णय गलत हो जाता है, तो आप खुद को खुद को सही रास्ते पर पाएंगे। मतलब जो हायर फोर्सेस हैं, आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया
तो वो भी आपके हायर फोर्सेस आपको मदद करते हैं कि सही रास्ते में आपको लेके आने के लिए। मतलब इसीलिए लेखक लिख रहे हैं कि चाइनीज़ लोगों का कहना है, गलत मार्ग एक अच्छे व्यक्ति के लिए सही रास्ता बन जाता है। भले एक अच्छा आदमी मान लीजिए गलत मार्ग चुना, तब भी वो एक सही रास्ता बन जाता है, क्योंकि उसके कर्म, उसके ज्ञान और उसकी बुद्धि इतनी है कि उस चीज़ को वो कन्वर्ट कर पाता है। यदि हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और उन्हें प्यार करने के आड़ में छेड़छाड़ करते हैं, तो हम सबसे बुरे कर्म का निर्माण करते हैं। ये पूरी तरह सेल्फ इंटरेस्टेड है और खतरनाक है, डेंजरस भी कहा गया है। क्योंकि जब हम खुद को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं और उसके मैनिपुलेट करते हैं, प्यार के आड़ में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, तो मतलब हम क्या करें, उसको मेंटल लेवल में इन्फ्लुएंस करके उससे कोई हमारी इंटरेस्ट का कोई चीज़ निकलवा रहे हैं सामने वाले से, तो ये बहुत गंदा कर्म बनाता है और बहुत डेंजरस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमें मैनिपुलेट कर रहा है, तो क्या उससे दूर होना सही है? तो लेखक लिख रहे हैं, आपको ब्रेक ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका रवैया पसंद नहीं आया। मतलब जिन जो लोग अगर मान लीजिए किसी ने कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, तो उससे ब्रेक ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेखक लिख रहे हैं, मैं उसको जाके बता सकती हूँ कि आपका रवैया ठीक नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यह आपके लिए भी अच्छा नहीं और मैं भी फंसना नहीं चाहती। जो ये एक जोक की तरह, या लीच जैसे कहें, एक जोक की तरह आप मेरे मुझसे चिपके हुए हैं और मेरा खून चूस रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मुझसे प्यार करते हो, ये कैसा प्यार है? अगर हमको ये चीज़ क्लियरली उसको बोलना होगा, जो अगर हमें मैनिपुलेट कर रहा है और हमसे निकाल रहा है, अपना काम निकल रहा है, तो हमें उसको क्लियरली कन्फ्रंट करके क्लियरली ये बात करनी होगी। इस तरह के रिश्ते के बारे में लेखक लिखते हैं कि इस तरह के रिश्ते में लोग रहते हैं और एक दूसरे को लटकाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहते हैं। ये बस ये कोई कोई इसमें खास चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हिपोक्रेसी, सेल्फ इंटरेस्ट और ईगो ही एक चीज़ है जो वो इन रिश्तों में आ जाता है। क्योंकि एक झूठ का ज़िंदगी जी रहे हैं, एक हिपोक्रेसी है और एक इसका सेल्फ इंटरेस्ट और ईगो। सो इस तरह के रिलेशनशिप काम ही नहीं करते। तो दूसरों के ऊपर हमें उसको टांगना नहीं चाहिए और दूसरों के ऊपर अपनी ज़िंदगी में डालना नहीं चाहिए। तो जो फैक्ट है वही रियलिटी है, उसको तथ्य को तथ्य है और वास्तविकता वास्तविकता है। और लास्ट क्वेश्चन है, इज़ डिवाइन इंडिफरेंस एज सेम एज नॉन अटैचमेंट? मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाए, मतलब जो उदासीनता या इंडिफरेंस जो है, वो क्या इसमें से अनासक्ति से मतलब दोनों का लेवल सेम है क्या? तो लेखक जवाब दे रहे हैं, गैर लगाव या जो आपका नॉन अटैचमेंट इज़ वन स्टेप फॉरवर्ड। मतलब इन दोनों में बेहतर स्टेप नॉन अटैचमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ काट देते हैं, मतलब यू कट एवरीथिंग एंड फॉरगेट अबाउट इट, मतलब उसमें आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वेरस डिवाइन इंडिफरेंस ये होता है कि आप उस सिचुएशन को एक ईगल की तरह देख रहे हैं, लेकिन विदाउट इन्वॉल्वमेंट। तो बेहतर है नॉन अटैचमेंट, बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। हम अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कर्मा एंड द सोलर एंजल। तो तब तक दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।